The protein coding regions of each mRNA is composed of a contiguous, non overlapping string of codons called an open reading frame or ORF. Each ORF specifies a single protein and starts and ends at internal sites within the mRNA. That is, the ends of an ORF are distinct. फ्रॉम दी एंड ऑफ एम आर एन ए सो अगर हमारे पास एक एम आर एन ए जो कि इतना लॉन्ग है और इसमें जो ओ आर एफ है ओपन रीडिंग फ्रेम ये जो है वो इस एम आर एन ए के अंदर कहीं होगा यानी कि वो ओ आर एफ यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है तो ओ आर एफ के एंड और एम आर एन ए के एंड एक ही जैसे नहीं हो सकते तो ओ आर एफ जो है दैट लाइज विद इन दी एमआरए translation starts at the 5' end of the orf and proceeds one codon at a time to the 3' end so 5' is ok 3' the first and the last codons of an orf are known as start codon and end codon or stop codon in bacteria the start codon is usually ए यू जी ए यू जी यानी के फाइव प्राइम साइड वाले ए यू जी और इधर थ्री प्राइम साइड है लेकिन इसके अलावा जी यू जी और यू यू जी ये भी जो है स्टार्ट कोडोन के तौर पे एक्ट करते हैं यूक्रियोटिक सेल्स ऑलवेज यूज ए यू जी एज दी स्टार्ट को डॉन

यहां से स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होने के बाद ये पूरा जो है वो रीडिंग फ्रेम है और यू जी ए पे स्टॉप हो रहा है तो ये जो है इसमें जो एसिड्स इस एड हो रहे हैं जैसे के ए आई एफ वी एल ये डिफरेंट है दूसरे केस में अगर ये एम आर एन ए जो है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है यू जी ए से ये तो जाहिर है यू जी ए तो स्टॉप को है तो फिर ये यहां से स्टार्ट होगा ए ए जी फिर इसमें के क्यू एफ एल वाई तो इन दोनों में देखें के तो चले पहले में दोनों में सेम है आगे इधर ए है इधर क्यू है इधर आई है इधर एफ है इधर एफ है इधर एल है तो ये जो प्रोटीन्स बन रही हैं ये प्रोटीन्स इनमें माइनोसट्स का सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट है इवन इनके साइजेस भी डिफरेंट हैं और तीसरे केस में देखें कि यहां से अगर ये शुरू हो रहा है तो ये जो है पूरी प्रोटीन बनती जा रही है और इसमें स्टॉप को डॉन ही नहीं अभी तक आया तो इसमें भी देख लें ई एस एन एफ इसका सीक्वेंस जो है इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है तो इस तरह से ये जो है ये तीन डिफरेंट पॉसिबल रीडिंग फ्रेम्स हैं जो कि एम से रीड किए जाते हैं और इसके रिजल्ट में डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स जो है वो बनती हैं वंस ट्रांसलेशन स्टार्ट हाओवर रीडिंग फ्रेम इज डिटरमाइंड तो जब ट्रांसलेशन शुरू हो गई तो फिर रीडिंग फ्रेम डिटरमाइंड हो जाएगा उसके बाद चेंज नहीं होगा दस बाय सेटिंग द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट कोडॉन द स्टार्ट कोडॉन डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ ऑल दफ विच देर आर थ्री यू ए जी यू जी एंड यू ए ए ये तीन जो हैं ये स्टॉप कोडोन के काम पे तौर पे काम करते हैं और जहां भी ये आ जाएंगे दे विल डिफाइन दी एंड ऑफ ओ आर एफ एंड सिग्नल टर्मिनेशन ऑफ पोलिपेप्टाइड सिंथेसिस यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द टर्म ओपन रीडिंग फ्रेम क्यों ये नाम ओपन रीडिंग फ्रेम है इट इज अ कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ codons read in a particular flame as set by the first codon that is open to translation because it lacks a stop codon so so it is called open reading frame MRNAs contain at least one ORF the number of ORFs per MRNA is different

पोलिसनिक आर एन एस वाइल दोडिंग आर सिंगल ओ आर एफ आर नोन एज मोनो आर एन एस तो यू कैरियॉर्ड्स में जो एम आर एन ए है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है और प्रो कैरियोड्स में जो एम आर एन ए है वो पोलिसनिक भी हो सकते हैं दोलिसनिक एम आर एन एस फाउंड इन बैक्टीरिया ओफन एनकोड कोड दैट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन न्यूक्लियोटाइट सो so, एक पाथवे है और इस पाथवे में अगर डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं है या डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं तो एक एमआरएनए उसके डिफरेंट ओआरएफ इन डिफरेंट प्रोटीन्स को जो कि रिलेटेड है एक ही पाथवे को परफॉर्म कर रही है इन रिलेटेड प्रोटीन्स कोड करेंगे सो हियर यू कैन सी दी एग्जाम्पल्स ऑफ monocystronic and polycystronic mRNAs. So this is the case of polycystronic mRNA. You can see this is one reading frame. This is second reading frame and this is third reading frame. So in a single mRNA there are three reading frames. So three different proteins protein alpha protein beta and protein gamma are synthesized but here this is one mRNA, and in this one mRNA, only one reading frame is present, so only one protein is synthesized.